और जोर से चला पूरी ताकत से आ जल्दी और जोर से और जोर से। देख लिया कैसी ताकत है अल्लाह कलाम की, तो जल्दी लगा पूरी ताकत जल्दी सही सही बोल मेरे को, उसके बाद छोड़ने का सोच रहा हूँ क्या करना है। अगर टट करेगा तो तू ही फसाऊंगा, किसका कुछ नहीं देगा। चल बोल जल्दी सही सही कबूल सारे बात आ, उसके बाद तेको आजाद करने का सोचेंगे हम। चल जल्दी बोल चल पूरी ताकत लगा क्या जोर से और जोर से जल्दी। और जोर से लगा पूरी ताकत चल दिया शाबाश लगा पूरी ताकत और जोर से चल हाजिर हो चला जल्दी। जलाल ने आना मुझे देखा ना, जलाल आया तो कैसा आलम होता तो पूरा भसम हो जाएगा। उससे पहले हाजिर हो जल्दी चला जल्दी चला लगाऊं तेज से आंख लगाऊं। चल ठीक है लगा रहा हूँ तेज से आंख परेशान कर रहा था। तेरह साल से और यहाँ 13 सेकंड के अंदर सिलेंडर हो जा रहा। क्या क्या दिया उसको तकलीफ बोल? जादू कराया। क्या करा? जादू कराया। और बाल लेके गया। और चाय में पिलाया। और कहाँ से लाए थे तेको पकड़ के? खबरस्तान से, मसनवाटी से ला के छोड़े। मरा था जब, क्या नाम था तेरा? जिन्नात है कि मरा वाला इंसान है? कौन है? बदरू है? जिन्नात है? कौन है? जिन्नात है। मुसलमान जिन्नात है? खबीस है। अभी तक कितने लोगों को जान से मारा? ये पहला था। खबीस तेरी उम्र कितनी है? 500 साल। जोर से 500 साल। जोर से 500 साल। खबीस है तो जरा खबीस के अंदाज में बोल। हाँ जोर से 500 साल। देख लिया तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, सर उठा के तक बात करने की तेरी हैसियत नहीं है। नालायक, हम लोगों को परेशान कर रहा, 13 साल से परेशान कर रहा था। अरे उसको फोन करता था, उसके आंख पे बैठे जैसा कुछ करता था। दरगाहों को जाता था उन्हें तो नहीं सताता था। अच्छा, क्या मकसद से आया था तू उसके आंख पे? ईद मिलाद के दिन इसने बहुत इतर लगाया था। मैं इसका आशिक हो गया। वहाँ से वो गिर गया। वो तौकल शबाबा में भागा। और तो तौकल शबाबा ने मुझे मारे। तुझे उन्होंने मारे? लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इस वजह से मुझे जाने दिए। क्योंकि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है और बहुत 7 महीने का है बचपन का, और इस पर कोई भी चीज़ कैच हो जाती है और ये अंदर से बहुत कमज़ोर है। चल जो लोगों ने इस पर जादू चलाया उनके नाम बोल। फारूक, सुनेरा, शमीम, सब्जी वाली गुड़िया, वाशिम ने भी इसके बाल हमने लेके गए थे। अच्छा, क्या मकसद था जादू करने का? दुश्मनी क्या थी इसी? नहीं, बस इसको बर्बाद करना था इसके घर वालों। अच्छा, बर्बाद करने वाला था तू बच्चे को, बोल के जादू चला के कुछ छोड़े उन्होंने। हमला तूने मिलादुन्नबी के वक्त करा उसके ऊपर, और क्या क्या परेशानी डाला तूने उसको? सर में तकलीफ और
जिस्म पे बैठ जाना। अच्छा वजन कर देना उसका जिस्म, कभी हल्का कभी भारी। और 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 ये बड़े बड़े वलियों पे जाता था। अच्छा मुझे चिढ़ाती थी। अच्छा बुजुर्ग गांधी के दरगाह पे जाता था ये तो तुझे चिढ़ाती थी। बाद में अगर ये ऑफिस आया तो मैं इसे सबक सिखाता था। अच्छा सुनो दुनिया वालों गौर से, बुजुर्ग गांधी के दरगाह पे जाने से कौन चिढ़ता, हबीसा चिढ़ते। और इसने खाजा नायब रसूल ने मुझे हथकड़ा डालने लगा दिया। मुझे वहाँ पे हथकड़ा डाल दिए थे। अभी मैं इसकी इसमें हूँ मगर कैद हूँ। खाजा नायब रसूल ने मुझे हथकड़े डाल दिए, मुझे कैद करे है। हूँ लेकिन अभी कैद हूँ। और कितने देर साथ अकेला थे तू? मैं अकेला हूँ। अच्छा नाम क्या था तेरा खबीस? नाम है नहीं है। हाँ हसरा। क्या है? हसरा। खसरा नाम था तेरा। उम्र कितनी थी एग्जैक्ट? 500 साल। 500 साल का है तू। खसरा नाम है तेरा। कौन सी एरिए का खबीस था तू बोल? एरिया कौन सा था तेरा जहाँ से पकड़ के बच्चे के आंगन में डाली थी तो? खसरा क्या पूछा मैं? संतोषी चौक। संतोषी चौक कहाँ का? उसत। उसत का वहाँ से लाए थे पकड़ के। और क्या कर रहा था तू इसी घर में परेशान है? इसके भाई को बीमार, इसके बहन को बीमार, इसके अब्बू का हम नहीं करे सब। क्या करे उसके बाप बच्चे को तुमने? सब बीमारियों में डाल दिए, ब्रेन हेमरेज करके ऊपर पहुंचा दिए। अल्लाह बीमारियों में डाल के वो करके ऊपर पहुंचा दिए। और ये कब उठता है, कब बैठता है, कब खाता है सब हमें मालूम है। कहाँ आता है, क्या जाता है, किधर करता है। ये दुश्मनी करने की वजह क्या थी? वजह बोलो मुझे जल्दी। ये 10वीं में पास हो गया था। अच्छा और हम सारी जादू जानते थे। फारूक ने मुझे इसके पास भेजा है। फारूक फेल हो गया था। बाद में ये तरक्की ना कर ली इस वजह से चिढ़ कर करे। अरे वाह नालायक हो, जहन्नुम के खुदारो। अपने हाथ से जहन्नुम पे दस्तखत करके ले रहे ना जहन्नुम में जाने की एंट्री, किसी भी जिंदगी बर्बाद करके। अल्लाह ने किसी को नवाजा तो और खुश होना और बोलना कि अल्लाह ने उसको नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह, और नवाजे तो अल्लाह चिढ़ने वालों तुम्हारा को भी नवाजता। फिर बोलता मेरे बंदे ने मैंने उसको नवाजा तो ये खुश हुआ, तो इसको नवाजा तो ये कितना खुश होगा, बोल के अल्लाह नवाजता। और इसके अम्मी का नंबर है कई के आस्ते मार देने को। उनको कौन सी बीमारी डाली उसके अम्मा को बच्चे के? घर में गोश्त भेजे। कई का गोश्त था? हर साल को बकरीद में गोश्त भेज रहे। अच्छा गोश्त रुच रहा था वो। अच्छा बकरीद में भी गड़बड़ियाँ कर रहे इसके नाम पे भी। नालायक हो जहन्नुम में जलेंगे ना। घर में खाना बनाने के बहाने बिरयानी में सीखने आने के बहाने बिरयानी में मिला रहे हैं। मिला के खिला दे रहे सबको। बताओ और राज खोल सारे उनके, क्या क्या राज हैं तुम? हमारे पास किताब है। अच्छा कौन सी किताब है वो? उनके पास बहुत बड़ी किताब है। कौन सी किताब? इल्म की। कौन से इल्म की? काले इल्म की। काले इल्म की किताब बड़ी नहीं रहती नालायक, सातों जमीन सातों आसमान में सबसे बड़ी किताब अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही। कोई हैसियत नहीं है काले जादू की, जिन्नातों की, शैतानों की, खबीसों की अल्लाह कलाम के सामने। इसके सर में हम सोया चुबाते रहते हैं। अच्छा वो किताब काले जादू की किसके पास है रखी वाली? वो उनके पास है। किसके पास है? नाम उसका फारूक अली फरमान अली। अच्छा और किस किस पे चलाए उन्होंने जादू? और रिश्तेदारों में। अच्छा इनके रिश्तेदारों में दूसरों को। अच्छा
फारूक अली ने उन लोगों ने उनके भी रिश्तेदारों पे करे। जो अभी जो तरक्की पाते दिखता है उसका काम शुरू कर देते। और इसके अब्बा का शक बनाने इसके अब्बा का शक सिलाने डाले थे। इसके अब्बा को 2-3 साल में ऊपर भेज दिए। अल्लाह अकबर, बाप का राज चल रहा था कमीनों तुम्हारे लोगों की जिंदगी आने ले रहे। ये बहुत चाहता था इसके बाप को, अगर वो मर जाता ये डिस्टर्ब हो जाता था। पेपर देने को गया था दारवा को, ये पेपर में कैंसिल करवाना था, उस वास्ते मार दिए उसके बाप को। 7 दिन कोमा में रखे, बाद में काम तमाम कर दिए, इसके सब पेपर चले गए, सेकंड ईयर चले गया। बहुत बाता करता था लोगों की जिंदगी बर्बाद करके, क्या मिलता रे कमीनों तुम्हारे। एक दूसरे पे खुश होना सीखो, हसद जलन मिटाओ दिलों से। हसद जलन शैतान के और शैतान के मानने वालों के दिल में रहती, अल्लाह को मानने वालों के दिल में हसद जलन नहीं रहती। अपने आप को मुसलमान भी बोल रहे कमबख्तो, गोलियों पे जाता है उस वजह से अब तक बचा हुआ है, जो तो पक्का जमीन में चला गया होता। तू मारता था इसको खबीस, क्या नाम था तेरा, क्या बोला, बोल। खिसरा। खिसरा, खिसरा तू मारने वाला था इसको। कैसा बनी बुजुर्गान दिन की ताकत देखा, अल्लाह करम से कैसी तो डाल दिया ना जंजीरा तेरे हाथों में। मैंने इसको बीमार भी गिराया था, कई के वास्ते डाल दिया था, खाजा नहीं बोले सुन ने इसका इलाज करे, ऑपरेशन करे। कौन सी बीमारी डाला था तूने इसको। इसके जिस्म में गाटा पैदा कर दिया था गले में। अल्लाह हू अकबर, बहुत ही मस्ती चढ़ी थी, फिर पैसे सिराए उन्होंने मस्ती तेरी। अब तो यहाँ क्या करूँ मैं तेरा हाल, वो सोच रहा हूँ। खसरा, खिसरा, क्या है तेरा नाम। खिसरा। खिसरा बोल, अब क्या करूँ तेरे साथ। सुनो, जाने में देता ना मैं तुझे, कैसा जाने दूंगा। तू अगर चले जाएगा जाके और मासूम लोगों को, कमजोर लोगों को सतेंगा, मजलूमों पे जुल्म करेगा, मतलब नहीं आता ना। क्या करना तेरे साथ सुनो बोला। वापस से नहीं आया, मुझे भेजा गया। कर दू पूरा भसम। मुझे भेजा गया। कौन भेजा? वो काली विद्या से। काली विद्या से? जादूगर का क्या नाम था वो? खसरा जवाब। शंकर। शंकर कहाँ रहता था वो? कितने पैसे दिए थे उसको? पैसे नहीं, जब ठेकेदारी करते थे साइड पे, तो जब मिला था इनको मैं। अच्छा, वहां से पकड़े थे लोगों ने। देखो दोस्ताना हो गया था, मैंने कहा था किसका भी काम मैं तमाम कर सकता हूँ। तो जब से ये लोग किसी के भी ऊपर जादू चलाते प्रत्येक को पकड़ पकड़ के लोगों के आगे छोड़ते। हाँ ठीक है खिसरा, अब तुझे छोड़ना नहीं छोड़ना वो सोच रहा हूँ मैं, क्या करना। तुझे छोड़ेंगे तो तुझे आगे और लोगों को तो करेगा जुल्म देगा। और तुझे काम क्या आता बोल, झाड़ू मारने आती, बर्तन धोने आते, खाना पकाने आता, या फिर लोगों को जान से मारने आता। एक आंदा से काम लगा के यहाँ रखेंगे गुलाम बना के। चल बोल क्या काम पे मुकर्रर कराना तुझे। गाड़ियाँ पलटी करने आते थे, ट्रका ला रहे हो। हाँ जो पूछा उसका जवाब दे जल्दी खसरा। हाँ कुछ भी कर सकता हूँ काम, जोर से कुछ भी, हर काम मुमकिन नहीं है मेरे लिए। सब करता। चल अब तू मेरा गुलाम है अपने यहाँ से, आज से पढ़ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मुसलमान बनेंगे, मुसलमान जिन्नात बन गया तू। पुराने जादूगर के ताबे से तेको आजाद करा मैंने, समझ गया। चल अब पढ़ो बिस्मिल्लाह रहमान रहमान रहीम रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल वो पैगंबर है। मैंने उन पर ईमान लाया, अब मैं मुसलमान जिन्नात हूँ। आज से मैं ये बच्चे को कभी परेशान नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है, और मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान का। हजरत जब भी हुक्म देंगे जो भी हुक्म देंगे उसकी तामील करूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। और हजरत ने मुझे पुराने जादूगर के ताबई से आजाद किया, अब मैं हजरत का गुलाम हूँ। जब भी सात बार मुझे आवाज देंगे बोल तेरा नाम खबीस, तेरा नाम बोल मुसलमान जिन्नात है तू, मगर नाम तेरा खिसरा क्या था? खिसरा जिन्नात हाजिर हो, बोले कि हाजिर होना, जो भी हुक्म दिए उसकी तामील करना, ठीक है। खिसरा मुस्लिम जिन्नात, खिसरा हाजिर है, खिसरा हाजिर हो जोर से, खिसरा हाजिर हो जोर से, जो भी हुक्म देंगे उसकी तामील करना, ये वादा है खिसरा का। खिसरा बोल, ये वादा है खिसरा का, वादा है खिसरा। अब नमाज पढ़ना सीखना, कुरान पढ़ना सीखना, बाहर बहुत फौजे मिल जा, खड़े हो जा उनके साथ शामिल हो जा, और दुनिया के जो भी कोने में रहेगा मैं आवाज दिया तो तुरंत हाजिर हो जाना, ठीक है। अब बच्चे को परेशान नहीं करना, छोड़ दे खिसरा, चल बाहर जा खड़े हो जा। अरे डॉक्टर साहब क्या होगा, अरे डॉक्टर साहब ऊपर देखो क्या हुआ, क्या हुआ, इधर कस क्या आ तुम, क्या हुआ, इतनी बातें कैसे किया मैंने, मेरे समझ नहीं आया। कुछ सवाल जवाब कुछ याद है, इससे पहले कहीं हाजिर हुआ था कि किसके पास में कोई दरगाह से, पास नहीं। सवाल जवाब हुआ क्या कहीं, थोड़ा बहुत तुमने सवाल करे तो वो समझ में आया, थोड़ा शुरू के लास्ट के बीच में बकरीद को उसको गोश्त में गोश्त मिला के भेज रहे थे बोलते, और बकरीद को कुरबानी का गोश्त नहीं दूसरा गोश्त भेज रहे थे पढ़ के, और बिरयानी में मिला खिला रहे थे, क्या क्या कर रहे थे उन कौन लोग आते सब है उसमें आता रिकॉर्डिंग देख लो। और एक दूसरी बात, इससे पहले कोई इलाज वाले के पास कहीं हाजिर हुआ था क्या? आज तक कहीं नहीं हुआ, आज तक जहाँ भी गए समझो कोई बड़े औलिया इकरान के पास गए, यानी आए के बुजुर्ग यानी 700-800 साल पुराने जर्जरी बख्शिया सोनापीर सरकार वहाँ बैठा तो ये बैठे तो समझो ये मेरी ऐसा लगता था जैसे किसने मेरी गड्डी दबा दिया और बस मेरी जान क्या होती निकल गई, खड़े रहा तो ऐसा लगता जैसा मैं गिरता और बस कोमा में। तुम्हारे वालिद साहब का भी इंतकाल करे बोलते कोमा में डाल के, वो एक सही का इतने थे पहलवान इंसान थे, लेकिन बीमारी इतनी स्पीड से घेरी थी। बोला खसरा, खिसरा नाम था उसका जिन्नात का, खबीस जिन्नात था, मुसलमान उसको बना दिए, मेरे ताबई है गुलाम बना दिए उसको, उन्हें तुम्हारे इसमें मारा करते घर में वालिद साहब को, सब कुछ मारने को भेजे थे। तुम्हारा भी बीमारी को बताला था रहमत आबाद शरीफ हुए थे बोलते तुम, तो वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन करके गीटा निकाल दिया, गले में कुछ गीटा वाला था बोला था उनसे, पूरा रिकॉर्डिंग देखो मालूम है। अब पहली बार यहाँ से हाजिर हुआ, चलो अल्लाह खाओ पियो पानी, पिए देखो दुनिया वालों सुनो उसके अंदर गौर से, खबीस खुद बोल रहा कहाँ जाने से उन्हें इसको रोकता था, कहाँ जाने से उसको मार पड़ती थी, तुम लोग डिसाइड करो,
तुम लोग मसलकों में परेशान है बस, हम ये जमात के तुम वो जमात के, तुम वहाँ नहीं जाना यहाँ नहीं जाना। उसमें सुन लो खबीस जिन्नात की खुद कहानी क्या थी, दास्तान में सुना है। और सबको मैं एक ही मैसेज दूंगा, इबादत करो ज़्यादा से ज़्यादा, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, 5 टाइम की नमाज पढ़ने की पाबंदी करो, कम से कम 1 रुकू पढ़ो कुरान का, घर से निकलते वक्त दुआएं पढ़ो। अल्लाह ने दुआ मोमिन के वास्ते हथियार रखा, क्योंकि जब एक इंसान के ऊपर तुम्हारे घर के कोई भी जादू चला देता या चल जाता या कहीं का शैतान लग जाता कुछ भी, तो एक की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती, पूरे जितने भी रहते घर के अंदर माँ बाप बहन भैया सबका सुकून बेसुकून हो जाता। इसलिए तुम सेफ रहेंगे तो तुम्हारे माँ बाप बहन भाई सब सेफ रहेंगे, सब खुशी से खुशहाल रहेंगे। इस वक्त सबका ख्याल रखो, इबादत करो ज़्यादा से ज़्यादा, नमाज पढ़ो, कुरान आदि पढ़ने में तुम भी कुरान पढ़ते जाओ, पढ़ते नहीं पढ़ते पढ़ता हूँ, नमाज 5 टाइम की पढ़ने की पाबंदी करो, ज़्यादा डेली कर जाता हूँ। चलो अच्छी बात, अब नमाज पढ़ने के अंदर तकलीफ मेरी क्या हो जाएगी, उससे बढ़ती है तकलीफ नमाज और पढ़ने के। उन्हें अंदर बैठ के उन्हें करवा था ना खिसरा, अब नहीं करेंगे उन्हें, क्योंकि खिसरा को पकड़ के इधर ले लिए और सारे काम करता करते उन्हें जो बोले हो उसमें लगेंगे सारे काम। और एक बात कि 5-6 लोग आने जा रहे और मैयत में से भी आया तो तकलीफ मेरी क्या हो जाती, बढ़ जाती, किसी को कुछ दे दिया पकड़ लिया या हाथ मरे हुए इंसान में ऐसा लगता बाद में 1-2 दिन के बाद में कि यानी उसकी जगह मैं मर गया ऐसा महसूस हो जाता है, तू ही मर गया, तू ही मर गया क्या बोले तो सब तैयार ही हो। तुम्हारे वालदा का नंबर लगाया वाला है, बोलते हैं तुम्हारे वाली साहब के बाद ध्यान ले अंदर का बोल रहा था उस बात है वही ना, उन नेटिव उस पर देख लो सब आ जाता पूरा डिटेल में, और उनको भी जल्दी देख कर आओ करो, पढ़ाते करके राइट कर लूँगा। कहाँ से आए तुम? उसद। उसद क्या नाम है तुम्हारा? जौतमल सैयद मोहसिन। मोहसिन सैयद मोहसिन, चलो ठीक है तब कर लो पानी। अब आगा होश पूरा कैसा लग रहा, वहाँ पर हल्का लग रहा, वजन लग रहा? हल्का लग रहा था तो पहले, ये नशे है ना फटफट होती थी, फटफट होती थी, ऐसा लगता है जैसे कोई चुभा रहा है। देखो उसका एक ही टाइम ही निकल गया अल्लाह करम से, ऐसा रहता हो जिसके उसके तरीक़ों पर रहता करे अल्लाह, और जिसके उसके अकीदे से रहता, जो जितना अकीदे से ज़्यादा आएंगा उसका उतनी स्पीड में अल्लाह के हुक्म से निकल जाता, क्योंकि यहाँ मैंने कोई सीखे आलाम अमलियात नहीं है और ना क्या बोलते तो मेरा कोई उस्ताद है, ये सब अल्लाह की तरफ से विरासत मिला है, जो दिल से नीयत से मेरे पास आता उसको अल्लाह खुद ब खुद ऑटोमेटिकल से निकाल के झट से राइट कर देते उसका। बाकी तुम्हारे दिल में बुगत रहेगा कीना कपट रहेगा तो फिर लटक जाते फिर से। अभी तक तो कितने लोग पास गए ना? अभी मैं कम से कम 10-12 लोगों के पास चले गया, कहीं हाजिर नहीं हुआ था मैं, वो कहीं हाजिर नहीं हुआ और कहीं ऐसी मैंने इतने बात नहीं किया। अच्छा, और दूसरी एक बात कि कभी कोई इलाज वाले के पास कहीं से नहीं हुआ, कहीं नहीं हाजिर हुआ? इलाज वाले क्या बोलते थे? इलाज वाले बोलते थे बस छूत से बचो, मैयत में जाने से बचो, और क्या बोले तो नमाज की ताकीद करो, और ये तावीज़ है ये तावीज़ पी लो, सिराने से रखो, फिर उसके बाद में वो तावीज़ ख़त्म होगी कि थोड़ा 1-2 दिन अच्छा लगता था, एक रात दूसरे रात से और वैसी सब काम शुरू हो जाते। चलो अल्लाह का करम है ना, वो बोल रहा था तुम दरगाह को जाते थे बोलते बड़े बड़े बुजुर्गों जिनके पास नाम ले रहा था कौन कौन से उसमें रिकॉर्डिंग में, दरगाह से आने के बाद फिर तुम्हें ज़्यादा परेशान करता था वो, तो वहाँ का ले कर वहाँ ले जाने के बाद उसको मार पड़ती थी, वो मार पड़ती थी तो उन्हें क्या करता था करते उसको मार पड़ी थी तो वहाँ को ज़्यादा परेशान करता था बोल रहा था। वो सब अल्लाह का कैसी ताकत दिया जी अल्लाह ने आज भी बुजुर्गान दीन के अंदर कि लोग मसलख में परेशान हैं, और शैतान भूतों को असल मालूम है किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना, उनके दरगाहों पर जाने से खाली कतराते बोले तो शैतान, क्योंकि अभी खुद बोल रहा था ना खबीस मैं दरगाहों पर जाने डरता था तुम्हारा, बाकी लोग आम मसलक में परेशान है तुम मत जाओ मत जाओ, जिस पे बीतती उसको पता चलता और जिस पे नहीं बीतती उन्हें बैठ के खाली कमेंट आ देता, सही है ना? और कैसा है मैं बुजुर्गाने दिन की खाजा नायब ताबीज डाल दिया मैंने पीने का, खाजा नायब रसूल पे रौन मारना पड़ता है, तो रौन में कैसा है ऐसा लगता था जैसा कोई ताकत पकड़ के अंदर से कोई चीज़ को खींच ली, तो मैं डर जाता था कहीं ऐसा लगता था मेरी रो निकल जाए ना निकल जाए, असल में हम उसको खींचने का हुक्म देते थे ना जल्दी रहा था। कब्रस्तान से गुजरा तो क्यों ऐसा होता था, कब्रस्तान वाले क्यों खींचते थे ऐसे? वो उन्हें पूरा उधर अट्रैक्ट होता था ना, वो अंदर था ना छोड़ा था कहाँ से लाते किसी पकड़ के और दवा के जरिए बिठा रहा था वो, अब आगे तुम्हारे बैठे बैठे गुलते हैं उनके घर को जाने के बाद तुम मोशन लगेंगे
ठंडास लगेंगे या उल्टे आएंगे। खाली इतना है कि ताबीज का पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, जितना ज्यादा पीएंगे उतना अच्छा, बढ़ाते जाना पीते जाना, बढ़ाते जाना पीते जाना। और ये जो नींद की प्रॉब्लम है यानी फजर की अजान हुई तो नींद आती थी मेरे को रात में, मैं करता हूं अंदर बैठ के। अभी रिकॉर्डिंग में सब आता तुम देख लो, तुम देखने के बाद मानूंगा अभी तुम क्या मानोगे, क्या क्या बोला हूँ बता। तुम्हारे वाली साहब को मारा, वल्दा का भी नंबर है, सब है बोलते, ये सब ऑनलाइन दिखेंगे। हाँ ये सब ऑनलाइन है अभी तो, भी तो क्या है अभी देखो तुम्हारा बता देता ऑनलाइन है किसी और का देख के आए। हाँ तुम्हारा देख के कोई और रहेगा तो उनकी सबकी जिंदगियाँ बचेंगे। अब तुम एक बात यहाँ बच गई निकल गई कि तुम्हारे वालदा की जान लेने वाले हैं वो, तो आगे सामने पहले बात अब अल्लाह के हुक्म से मारने वाले से बचाने वाला बड़ा अल्लाह डाली, अब यहाँ लाते से बचा लेते उनकी जान। और तुम अगर यूट्यूब पे नहीं देख के आते थे तो फिर तुम्हारे वालदा का भी वो समझा था नुकसान। तुम्हारा देख के और कोई आएगा, तुम किसी और का देख के आए, ये मकसद है। बाकी कोई अपने कुछ दे रहा नहीं और किसी से कुछ दे रहा, कितने लिए तुम्हारा शैतान निकालने के 2,00,000-5,00,000 या फिर नहीं कुछ भी नहीं। जोर से बोलो कुछ भी नहीं, लोग बोलते हैं फ्री में, फ्री में निकाल दिए ना अल्लाह का, कुछ भी नहीं है फ्री में है ये, अल्लाह ने आपको आपके पीर बहुत जबरदस्त है, पीर नहीं है गॉड गिफ्ट है मिले अल्लाह सब, पीर भी नहीं उस्ताद भी नहीं कुछ नहीं, अल्लाह ने दिया अली देन है, खाली घराना हजरत अली का है, इमाम हुसैन की आल है, बोल के ताकत दिया अल्लाह ने उस सब, बाकी कोई उस्ताद नहीं मेरा कोई वो नहीं है। और मेरे अंगूठे पे मोहर है जिसपे दूर से देखे तो अल्लाह दिखता, नजदीक से देखे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम दिखता, क्लियर अरबी में क्या लगा। और तुमने अभी तक वीडियो में देखे कैसा नहीं हो, सब है वीडियो के अंदर, जब वीडियो खत्म होता तो लास्ट में अंगूठे की फोटो आते उस पर लिखा हुआ, जैसे कि तुम्हारे पास है मोबाइल बड़ा है ना, निकालो जरा चैनल जलाली कमरा है, जलाली चीजा करते हैं खड़े वाले, वो यूट्यूब खोलो नहीं इसमें क्या जल्दी नेक्स्ट लोग नंबर लगाओ फास्ट।